नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सिन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। चलिए ले चलते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। अहमदाबाद की आशा ने सुसाइड से पहले अपने पति आरिफ को कथित तौर पर एक पत्र लिखा था, लेकिन उसे भेजा नहीं था। यह पत्र इंग्लिश में लिखा गया है, जिसे आयशा के पिता ने पुलिस को सौंप दिया। बता दें कि पिछले दिनों अहमदाबाद में 23 साल की आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आयशा ने सुसाइड नोट में लिखा, आरिफ तुम्हें मैंने कभी धोखा नहीं दिया, तुमने हंसती खेलती दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। माई लव आरू, नाराज हूँ पर बहुत प्यार करती हूँ। आयशा ने सुसाइड नोट में भी बरसाया कातिल आरिफ के लिए प्यार। बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जय श्री राम के नारे को वंदे मातरम जैसा बताया। इस दौरान इन पर सवाल को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा गूंजेगा। बीजेपी में आते ही मिथुन की हुंकार, एक नंबर का कोबरा हूँ। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, मैं जब 18 साल का था तब से ही गरीबों की मदद करना चाहता था। आज ये सपना पूरा होने जैसा लग रहा है। अगर किसी का कोई हक छीनेगा तो मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत भी गर्माती जा रही है। नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी यदि सत्ता में लौटती है तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। और मोदी उधर दीदी ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में गैस सिलेंडर के साथ निकाला पैदल मार्च। ममता बनर्जी एक तीर से दो निशाना साध रही है। उन्होंने सिलीगुड़ी में महिलाओं के साथ मार्च निकाला है। वह महिला दिवस के पहले महिलाओं के वोट को लुभाने की कोशिश कर रही है। पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में किसान पंचायतों का आयोजन कर रही है, ताकि कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई जा सके और किसानों की मांग को समर्थन दिया जा सके। सीएम विजयन ने कहा कि कस्टम विभाग ने डॉलर स्मगलिंग केस में आरोपी के बयान का एक अंश चुना और कोर्ट के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के मुताबिक धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को पब्लिक नहीं किया जाता है। दिल्ली सरकार के बजट सत्र में देशभक्ति का अनोखा अंदाज देखने को मिल सकता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार आज़ादी के 75वें वर्ष में शहीद भगवत सिंह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके अलावा दिल्ली के आसमान को तिरंगे से सजाने का प्लान भी बजट में पेश हो सकता है। 19 फरवरी को बिहार बोर्ड 10वीं का सोशल साइंस का पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गया था। इसके बाद 20 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा के समय सिवान जिले के 3 एग्जाम सेंटर्स पर स्ट्रांग रूम का लॉक नहीं खुल सका, जिसके चलते परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। टेक डेवलपर से जुड़े मामले में मुंबई में शिवालिक ग्रुप के करीब एक दर्जन ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने सर्च अभियान चलाया। दिल्ली से आई प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इन ठिकानों की तलाशी ली। यूनिटेक केस में मुंबई में शिवालिक ग्रुप के एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी का सर्च। रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत करते हुए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह 139 नंबर जारी किया है। ICICI बैंक ने भी अपने होम लोन रेट में कटौती कर उसे 10 साल के निचले स्तर पर ला दिया। इसके पहले SBI सहित कई और बैंकों में भी होम लोन पर ब्याज दर में कटौती कर चुके हैं। टेस्ट से पहले इमरान खान से मिले सेना और ISI के चीफ, विपक्ष ने की आलोचना। ऊपरी सदन के चुनाव में वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख की हार के बाद इमरान खान ने नेशनल असेंबली में शनिवार को विश्वास मत हासिल करने की घोषणा की थी। म्यांमार की सैन्य सरकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए बढ़ रहा वैश्विक दबाव महामारी के कारण पहले से आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना म्यांमार की सैन्य सरकार को उपदस्थ करने की चुनौती और बढ़ गई है। नासा के रोवर ने मंगल पर पहली चहलकदमी की तस्वीरें भेजी। इस दौरान रोवर 33 मिनट तक घूमा। नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर की 21 फीट की दूरी तय, फोटो आई सामने। इंडिया दूसरे स्थान पर काबिज, न्यूजीलैंड से 4 रेटिंग आगे है। न्यूजीलैंड की 118 रेटिंग है, वहीं 113 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-1 से हारने वाली इंग्लैंड 105 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है। ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि इस विकेट कीपर बल्लेबाज की कड़ी मेहनत ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंत ने पिछले 3-4 महीने में कड़ी मेहनत की है, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। IPL के 14वें सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल को चेन्नई में होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने ATP करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने दूसरी वरीयता प्राप्त चिली के क्रिस्टियन गारिन को सीधे सेटों में हराया।
तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग की रेड पड़ने के बाद उनका परिवार काफी परेशान चल रहा है। ऐसे में तापसी की मदद करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड मैथियस बोई ने मोदी सरकार के मंत्री से मदद मांगी है। डांसिंग क्वीन सपना चौधरी अक्सर चर्चाओं में रहती है। एक बार फिर वह सुर्खियों में। दरअसल सपना का नया गाना गुंडी रिलीज होने जा रहा है, जिसका टीजर सोशल मीडिया पर आ चुका है। टीजर आते ही गाना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर जल्दी फिल्म जहां चार यार में नजर आएंगी, जिनमें वे एक शादीशुदा महिला का किरदार निभा रही हैं। अब एक्ट्रेस ने व्यंग करते हुए परफेक्ट बहू की लेटेस्ट फोटो शेयर की है। उनका यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में खोला भारतीय रेस्तरा, दिखाई पहली झलक। प्रियंका लिखती है, मैं आपके सामने सोना पेश करने के लिए बहुत खुश हूँ। न्यूयॉर्क में एक नया रेस्तरा जहाँ मैंने भारतीय खाने के प्रति अपना प्यार डाला है। भारत के खानों का स्वाद और फ्लेवर है सोना में। बिग बॉस सीजन 14 जीतने के बाद से ही रुबीना दिलैक को इंडस्ट्री से काफी ऑफर्स मिल रहे हैं। वे इन दिनों अपने शेड्यूल के साथ काफी बिजी चल रही हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि रुबीना जल्द ही पारस छाबड़ा के साथ अपने आगामी म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगी। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे। तब तक लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद।